प्रोजेक्ट है ब्लॉग, और इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे आज जो लेस्ट पार्ट बच जाता है। देखिए, इसमें हम लोग लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन हो रहा है, और लॉगिन करने के बाद हमारा जो हेडर पट्टी है वो अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा हम लोगों को दो तीन चीज़ें करनी है, जल्दी से देख लेते हैं। एक तो टाइम आना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे राहुल ने कहा है कि टाइम ऐड कर लेना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स के पास आ जाएंगे। और पहले तो हम लोग इंडेक्स के जो कार्ड है, जो लूप चल रहा है, जहाँ पे हम लोग अपना इमेज डाल देते हैं यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे SVG लगा हुआ है, ऐसे एक और SVG बना लेना है सेम सेम। इसको कंट्रोल डी कर देते हैं, ताकि हम बस SVG चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे डेट, शायद डेट ही नाम है, नहीं डेटाबेस देख लेते हैं क्या नाम रखा था, डेट ऑफ क्रिएशन शायद था, तो मैं एक बार देख लेता हूँ, डेट ऑफ क्रिएशन ही नाम था, जल्दी से देखो, डेट ऑफ क्रिएटेड, डेट ऑफ क्रिएटेड, डेट ऑफ क्रिएटेड। और ये जो SVG कोड आप देख रहे हैं, इस जगह पे मैं क्लॉक का वो हीरो आइकन से उठा लेता हूँ, क्लॉक घड़ी, जो कि डेट बता दे, ठीक है, या कैलेंडर का शेप, तो कैलेंडर भी यूज कर सकते हैं, देखो कैलेंडर है ये वाला, कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। साइज जो है ये इसका कितना था, इसका साइज था 4 और इसका कितना है 6, तो बराबर कर देते हैं 4। अब यहाँ पे नोटिस करोगे तो कैलेंडर आ गया, देखो आ गया, डेट अच्छा नहीं दिख रहा है। हम लोगों ने PHP में पढ़ा है कि डेट को हम लोग अच्छा से अच्छा दिखा सकते हैं, उसकी अपनी फॉर्मेट स्टेटस होती है, उसके लिए जो फंक्शन है वो डेट है। यहाँ पे आपको पैटर्न बनाना होता है, इस स्ट्रिंग को हम लोग टाइम में कन्वर्ट करेंगे, तो स्ट्रिंग टू टाइम एक फंक्शन होता है, उसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पर बेसिकली डी डी एम वाई और एच आई और एस सेकेंड चाहिए तो, और कैपिटल AMPM, ये सब पढ़ा हुआ है आपको। देखिए संडे 12 जून 5:21 बात खत्म हो गई, ठीक है, हालांकि 5 बजे तो कोई पोस्ट हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पे भी दिखाना है, तो हम यहाँ पे ये जो SVG का पार्ट है, स्पैन का जो पूरा पार्ट है, ये स्पैन का पार्ट को कॉपी करके रखेंगे और अपने view.php में चल जाएंगे। ऊपर में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे पैटर्न है SVG के, इसी तरीके से एक पैटर्न यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे और वेरिएबल को रिफ्रेश करेंगे। यहाँ देखो पोस्ट वेरिएबल नहीं, यहाँ पे कॉलिंग नाम है, वेरिएबल का नाम है कॉलिंग पोस्ट, तो वो वेरिएबल का नाम चेंज हो सकता है, देखो पैटर्न से ही आ रहा है, तो ये हो गया। रिलेटेड पोस्ट में भी दिखाना है, यहाँ पे भी दिखा देंगे, मतलब जहाँ जहाँ पे आपको ध्यान रहना चाहिए कहाँ कहाँ पे जाना है। देखिए देखिए रिलेटेड पोस्ट में आ गया, इसके बाद आपका फिल्टर पेज में आना चाहिए, देखिए यहाँ फिल्टर पेज में नहीं आ रहा, तो फिल्टर पेज के लिए फिल्टर के पास जाएंगे और डेट यहाँ पे डाल देंगे आफ्टर SVG, ये सॉरी दिस इज नॉट अ SVG, करेक्ट SVG, ये अरे ये तो सही है, क्या चाहते हैं, हाँ यही है, देखो आ गया। और एक एक पेज बच गया, क्या कोई पेज और बच गया, नहीं यहाँ तो दिख ही रहा है, ठीक है, तो ये बेसिकली बेसिकली सब पेज में डेट आ गया। अब आते हैं हम लोग एडमिन प्रोटेक्शन के ऊपर, एडमिन प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो ऑथर में किसी एक को एडमिन बनाने के लिए एक कंडीशन लगा दो, एक कंडीशन क्या लगा दो, एक एक की एक कॉलम बढ़ा दो, आफ्टर DP बढ़ाते हैं, उसका नाम रखते हैं इज एडमिन, क्या वो एडमिन है, तो सभी ऑथर एडमिन नहीं होंगे, लेकिन एक आध ऑथर एडमिन भी हो सकता है, इज एडमिन, और ये बुलियन डेटा रखेगा, बुलियन डेटा ट्रू फॉल्स, और डिफॉल्ट वैल्यू जो रहेगा एज डिफाइंड फॉल्स यानी 0, ठीक है, और इसके बाद सेव, तो बाय डिफॉल्ट जो भी ऑथर लॉग इन करेगा या साइन अप करेगा वो 0 ही होगा, लेकिन किसी को 1 कर देंगे तो वो एडमिन पैनल को भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी उसको परमिशन दे देंगे कि तुम पीछे एडमिन पैनल भी एक्सेस कर सकते हो, वो ज्यादातर कोई नहीं होगा, ऑनर होगा, जो उस कोर्स का ऑनर होगा, तो जिसका 1 रहेगा उसे उसको कर सकते हैं, तो जैसे rock@gmail.com, पासवर्ड तुमको याद है नहीं, लेकिन इसको 1 कर देते हैं, तो ये जो यश है ये सुपर एडमिन बन गया, सुपर एडमिन, एडमिन नहीं ऑथर एडमिन है, सुपर एडमिन मतलब उससे ऊपर वाला, उसको परमिशन मिल गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब हम लॉग इन करते हैं तो ऑथर नाम का वेरिएबल बनाते हैं, तो लॉग इन करने टाइम ये चेक कर लेंगे कि क्या जो लॉग इन हो रहा है उसका इज एडमिन ट्रू है, अगर वो ट्रू है तो उसका सेशन एक और बनाएंगे एडमिन नाम का, तो यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन डालेंगे, यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक क्वेरी बनाएंगे, चेक चेक एडमिन, एडमिन चेक कर दो, और क्या करेंगे यहाँ पे बेसिकली काउंट डेटा डालेंगे, गिनती करवा देंगे, कौन से टेबल से, तो वही ऑथर ही टेबल से, ऑथर टेबल ऑथर्स, और यहाँ पे जिसका ऑथर आईडी ये हो और पासवर्ड ये हो, ये सब सही है, ठीक है, जैसे वो, और उसके देखिए वेयर, इसमें डबल कोट्स के अंदर वेयर, जहां पर
इज एडमिन नाम का कॉलम, पासवर्ड सिंगल को छुप रहा। हाँ देखो, पास इज एडमिन का जो कॉलम है वो ट्रू है या नहीं, देखो तो क्या हुआ, गिनती करके बताओ ऑथर के अंदर जो अभी हम लोग ईमेल डाल रहे हैं और पासवर्ड डाल रहे हैं उसका इज एडमिन ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू होगा तो काउंट में वैल्यू वन आ जाएगा, नहीं होगा तो काउंट में वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग ये कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि अगर वो चेक करो एडमिन है तो उसको कहाँ भेज दो, कहाँ भेज दो, एडमिन के इंडेक्स में। और एक और काम करना वो क्या है कि एक सेशन और बना लो, सेशन बना लो एडमिन नाम से और उसमें यही ईमेल डाल दो, यानी दो सेशन बन गया। एक तो ऑथर वाला केस में बनेगा, ऑथर है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको एल्स में बनाते हैं, यहाँ एल्स में बनाते हैं। इसका फायदा क्या हुआ कि जब एडमिन होगा तो एडमिन सेशन बनेगा और ऑथर होगा तो ऑथर सेशन बनेगा। तो ऑथर सेशन बनेगा तो ऑथर के पेज में जाएगा, एडमिन सेशन बनेगा तो एडमिन में चला जाएगा, जिससे हमारा पहचान हो जाएगा कि हाँ लॉग इन है। तो बेसिकली हम यहाँ पे लॉग आउट करते हैं, इसको वापस से लॉग इन करेंगे क्योंकि यही यूजर आई डी पासवर्ड है। ये देखो लॉग इन कर रहे हैं और ये हमको कहाँ भेजेगा, देखो हमको एरर आ रहा है, स्क्रॉल का कोई एरर आ रहा है, तो ये हमको कह रहा है कि इज एडमिन ट्रू में कहीं गलती कर रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं क्या बात है। इज एडमिन सिंगल कोट ट्रू, नहीं सिंगल कोट तो ट्रू नहीं होना चाहिए। हाँ चलो वन कर देते, बात वही है। देखिए ये अभी भी हमको वेयर के क्लाउज में दिक्कत दे रहा। अच्छा ये जो हम एंड लगा रहे हैं इसमें काउंट वाला फंक्शन को एक बार चेक करते हैं क्या मामला है। कंडीशन वेयर लगा हुआ है तो हम वेयर नहीं लगा सकते, तो गलती हो रहा है मेरा क्लाउज में, तो हम यहाँ पे वेयर की जगह एंड लगा देंगे। एंड तो क्या हुआ, ईमेल एंड ऑथर पासवर्ड एंड इज एडमिन ट्रू होना चाहिए, ट्रू लिख दो आप काम करेंगे। चेक करो कहाँ पहुँच गए, एडमिन में पहुँच गए। अब एडमिन में अगर कोई बिना एडमिन सेशन के आएगा तो रिडायरेक्ट कर देना है लॉगिन की तरफ। ये काम कराने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम फंक्शन में एक जगह बनाए हैं तो उन्होंने दिखाते हैं प्रोटेक्टेड करके नाम है उसका, देखो प्रोटेक्टेड सेशन, तो सेशन का नाम पास करना है और यूआरएल बताना है, यही करना है। तो हम आते हैं किसके पास, एडमिन फोल्डर के पास, जितना भी फाइल खुला हुआ सबको क्लोज करते हैं। ये मेरा एडमिन है, इसमें मुख्य रूप से पहला पेज ये है, तो हम ऊपर में कुछ ऐसा करेंगे कि ये इंक्लूडेशन वगैरह सब हो जाए। तो इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं हुआ हुआ है अभी फिलहाल, तो हमको ये इशू दे सकता है। तो हम अच्छे से पहले इसको इंक्लूड कर लेते हैं, सारे फंक्शन वगैरह सब कुछ देखो। तो हम इंक्लूड करेंगे, पहले इंक्लूड वंस पीछे आएंगे डॉट डॉट स्लैश, उसके बाद कॉन्फिग, उसके बाद कनेक्ट, नहीं कनेक्ट तो फंक्शन के अंदर है तो हम फंक्शन को बुला देंगे तो आ जाएगा, हो जाएगा ये आ गया। इसके बाद हमें वो जो फंक्शन है प्रोटेक्टेड, अरे प्रोटेक्टेड सेशन, हाँ ये वाला, तो सेशन का नाम क्या होगा, एडमिन, और अगर नहीं होता तो कहाँ जाना, डॉट डॉट स्लैश लॉग इन डॉट पी जी बाहर। तो ये लिंक लिखने का मतलब हुआ कि बिना एडमिन के अगर कोई आएगा तो रिडायरेक्ट हो जाएगा, अभी तो एडमिन के बिना नहीं है। अच्छा लॉग आउट तो यहाँ से काम नहीं कर रहा है, तो लॉग आउट पे क्लिक करने से लॉग आउट का पेज चलेगा। ऐसा करने के लिए हमको यहाँ पे हेडर के पास आना होगा, ये लॉग आउट का पेज है, डॉट डॉट स्लैश लॉग आउट काम नहीं कर रहा। अच्छा एक और पीछे जाना, ठीक है नहीं डॉट डॉट स्लैश लॉग आउट एडमिन के अंदर, अच्छा डॉट डॉट स्लैश एक बार और, क्योंकि एडमिन इंक्लूड फोल्डर के अंदर। अब देखें यूआरएल, नहीं ये लिंक काम नहीं कर रहा। हाँ लेकिन ये ऑथर हेडर है, सॉरी हमको एडमिन हेडर में जाना, माय बैड, ये ऑथर को बंद ही कर दो, परेशान कर देगा। यहाँ यहाँ ये जगह ये देखो लॉग आउट डॉट डॉट स्लैश लॉग आउट, ठीक है तो लॉग आउट का लिंक कर दिया उसी लॉग आउट पेज से जहाँ लॉग आउट बनाए थे, वही पेज काम कर रहा है, देखो लॉग आउट हो गया। तो अभी क्या है कि अगर कोई स्लैश एडमिन पे क्लिक करेगा तो नहीं जा पाएगा, कहाँ आ गया, लॉग इन में आ गया। बट ये सिर्फ एक पेज प्रोटेक्टेड हुआ इंडेक्स वाला, अगर इंसर्ट कैटेगरी में जाना चाहिए तो चला जाएगा, दिखाओ देखिए एडमिन स्लैश इंसर्ट कैटेगरी, देखो चला गया। तो ये पेज प्रोटेक्टेड नहीं है, तो आपको एग्जैक्टली जो इंडेक्स में आपने काम किया ऊपर में वो सभी पेज में करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कॉपी करूंगा और देखिए यहाँ पे तो कॉन्फिग किया हुआ है तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, हो गया। इस पेज में देखो यहाँ पे किया हुआ है, इसको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ देखो ये अभी तो बनाया नहीं है, कैटेगरी में देखो यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे भी कर देते हैं, मतलब सब पेज में हमको प्रोटेक्शन लगाना है।
इससे क्या हुआ, सारा का सारा पेजेस प्रोटेक्ट हो गया। एक ऑथर ने बना हुआ तो उसमें बनेगा, तो पहले डाल देते हैं क्योंकि पीएचपी तो एचटीएमएल तो नीचे होगा। तो हर पेज अब लॉगिन से सिक्योर हो गया, एडमिन का कोई पेज को कोई खोल नहीं सकता बिना लॉगिन के, और कोई भी यूजर नहीं खोल सकता। जैसे नॉर्मल ऑथर अगर है, जैसे ये मान लो, सॉरी ये तो है ही नहीं इसमें डेटाबेस, रिया शायद आई थिंक था, हाँ नहीं हाँ देखो तो सौम्य, इसका पासवर्ड क्या है मुझे ये याद नहीं। देखो ये सौम्य खुला, तो इसका नाम अब तो अमित कुमार झा हो गया था, चेंज कर दिया था मैंने। तो ये देखो कहाँ खुला है, ऑथर आया। नॉर्मल ऑथर है तो ऑथर होना, लेकिन जैसे मैं एडमिन वाला लॉगिन करूंगा, यानी कि रॉक एट जीमेल डॉट कॉम वाला लॉगिन करूँगा, तो ये एडमिन पैनल में भेज दिया। इसका मतलब एक ही लॉगिन से हम ऑथर में जा रहे हैं और एक ही लॉगिन से हम लोग एडमिन की तरफ जा रहे हैं। अगर वो एडमिन है तो एडमिन की तरफ जा रहे हैं, अगर वो ऑथर है तो ऑथर तरफ जा रहे हैं। हो गया, लॉगिन के पेज अलग से बनाने नहीं पड़ी। और इसके बाद हम लोग का यहाँ पे जो डायनेमिक डेटा है वो सब दिखाना है, राइट। तो हम इसको फटाफट काउंट करेंगे। देखो हम क्या करने वाले हैं, इंडेक्स पेज में यहाँ पे काउंट लगाते हैं। पहले तो लिखते हैं काउंट काउंट कैटेगरी, पहले कैटेगरी काउंट करते हैं। तो मेरे पास काउंट डाटा नाम का फंक्शन है जो कि मेरे उसमें है, और फंक्शन का उसका नाम क्या है, कैटेगरी, कैटेगरी हो गया, काउंट हो गया। इसमें जो वेयर का क्लाउज है वो हमको ये लगाना है, लगाना है क्या वेयर का क्लाउज, हाँ इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, इसमें दो आर्गुमेंट मांग रहा है और हम एक ही दे रहे हैं। तो देखो ये जो फंक्शन सब बनाए हुए हैं, इसमें जो काउंट वाला फंक्शन है इसमें कंडीशन का भी मामला है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, जी कंडीशन दे दे तो भी चल जाएंगे, तो हाँ कर सकते हैं। इसके लिए आपको इफ लगाना होगा, इफ काउंट कंडीशन इज इक्वल टू नल, अगर कंडीशन का वैल्यू नल है तो मुझे एसक्यूएल का क्वेरी चलाओ ये बस, और अगर नल नहीं है तो ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये हम ऊपर डाल देंगे, ये एल्स में डाल देते, ठीक है, मतलब इफ का पार्ट और ये एल्स का पार्ट, एल्स ये डाल देते। तो ये वाला जो कोड है ना ये एल्स में डाल देते, या इफ होगा या तो एल्स होगा। तो काउंट का बाई डिफॉल्ट जो है ना कंडीशन का नल डाल देते, नहीं डाला तो नल, डाला तो फिर जो डेटा वो, तो डाला नहीं डाला तो ये काम करेगा, डाला तो ये काम करेगा, मेरा काम हो गया। अब हम बाहर आते हैं, यहाँ इंडेक्स में देखो कैटेगरी अलाउड हो गया। इसी तरीके से हमको काउंट करना है, टोटल ऑथर, काउंट ऑथर वेरिएबल बना लिया, काउंट ऑथर्स, फिर टेबल का नाम ऑथर्स। इसी तरीके से हमको क्या चाहिए, पोस्ट को भी काउंट करना है, डॉलर काउंट पोस्ट, और काउंट करना है पोस्ट को तो उसका नाम है ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग अंडरस्कोर पोस्ट। नेक्स्ट लास्ट में क्या है, टैग्स, उसके बारे में अभी तक तो काम नहीं किए हैं तो हम लोग टैग को इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास वेरिएबल्स आ गया, इसमें काउंटिंग करके डेटा आ गया, फंक्शन तो मेरे पास बना हुआ था। अब हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 30+ लिखा हुआ ना, इस जगह पे पीएचपी करेंगे, इको करेंगे डॉलर काउंट कैटेगरी, वेरिएबल ने ऊपर बना हुआ यूज कर लो, देखो 7 कैटेगरी डायनेमिक हो गया। इसी तरीके से हमको टोटल ऑथर यहाँ दिखाना है, टोटल ऑथर कितने हैं तो काउंट ऑथर, ठीक है। और इसी तरीके से हमको यहाँ पोस्ट दिखाना है तो काउंट पोस्ट, बहुत बढ़िया। और देखो सब डायनेमिक हो गया। तो ये जो टैग है ना इसको अभी हम लोग इस्तेमाल में नहीं लिए तो हम इसको हटा ही देते हैं, यूजर वही तो ऑथर है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसको ग्रिड को क्लीन कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा, हो गया फैल गया, जगह खत्म हो गया। यहाँ मैनेज टैग लिखा हुआ ना, इसका भी काम नहीं है। तो मैनेज टैग के लिए जो लिंक बनाए थे वो हम लोग बनाए हैं साइड बार में, साइड बार में मैनेज टैग को हटा देंगे, और मैनेज फीडबैक भी हटा देंगे, नहीं काम इसका, जिसका काम नहीं है नहीं रखेंगे। वो हम जब हम प्रोटोटाइप कर रहे थे तो हमको लगा था कि हम ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं। तो नॉर्मली डैशबोर्ड, और ये देखो मैनेज कैटेगरी अच्छे से वर्क कर रहा है। इसमें यहाँ पे आप डिलीट बटन लगा लीजिएगा, मैं समझता हूँ कि आप ये बना सकते हैं आराम से। मैनेज ऑथर आपका बिल्कुल नहीं बना हुआ है तो आपको इसको बनाना चाहिए। तो मैनेज कैटेगरी को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसमें मैनेज ऑथर बना देते हैं, मैनेज ऑथर, क्योंकि ये भी मेरे आज के रिक्वायरमेंट का पार्ट है। तो मैनेज ऑथर में क्या करना है, कुछ नहीं, आपको लॉगिन के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाए, ये मैनेज कैटेगरी की जगह मैनेज ऑथर्स नजर आए, और साइड बार वैसे ही मैनेज कैटेगरी की जगह मैनेज ऑथर नजर आए, और जो डेटा काउंट होकर आएगा वो यहाँ दिखेगा, इंसर्ट ऑथर हम लोग करना ही नहीं है तो ये ए टैग को हटा देना। और ये आ गया ऑथर का आईडी, ये आ गया ऑथर का नेम, ये आ गया ऑथर का डीपी, ऑथर का ईमेल, ऑथर का और कुछ है, मैं ऑथर टेबल ही देख लेता हूँ। नेम स्लग तो नहीं चाहिए अपने को, ईमेल अबाउट और डीपी, अबाउट रह गया, ठीक है। तो अबाउट
और वो एडमिन है, इज एडमिन, वो एडमिन है या नहीं ये पता लग जाना चाहिए, और नीचे से हम इस सबको हटा के स्टेटस छोड़ देते हैं। हो गया, तो कॉलिंग डेटा जो यहाँ पे कर रहे हैं ये कहाँ से आएगा, ऑथर्स टेबल से आएगा। हो गया, तो कॉलिंग हो गया, एक कैट का नाम चेंज करके हम क्या कर देते हैं, ऑथर कर देते हैं। कैट से कैटेगरी था एक्चुअली, इसलिए इसका नाम AUTHOR ऑथर हो गया। तो यहाँ ऑथर आईडी हो जाएगा, सॉरी AUTHOR ऑथर आईडी आ गया। ये सब डेटा हटा देते हैं, हमको जो चाहिए होगा हम इसको डुप्लीकेट करते रहेंगे। ये ऑथर आईडी के बाद ऑथर नेम आएगा, ऑथर का डीपी आएगा, सिर्फ डीपी नाम था ना, ऑथर डीपी नहीं, और ऑथर ईमेल आएगा, ऑथर के बारे में अबाउट आएगा, और इज एडमिन आएगा, इज एडमिन। तो इस एडमिन को कंडीशनलाइज कर देंगे, पहले डेटा देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, जिसमें डीपी उसका फोटो नाम दिख रहा है, फोटो दिखना चाहिए, तो इसके लिए अवतार यूज कर सकते हो जो हम लोग कल भी देखा था, फ्लो बिट में अवेलेबल है, कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। देखिए कॉम्पोनेंट्स में चले गए और वहां से अवतार कॉपी करके डाल देंगे, टाइम बचा लेंगे। अवतार सिंगल अवतार है, इसको एक किसी को कॉपी कर लेता, सर्कल वाला को, सर्कल वाला ठीक लग रहा है दिखने में, तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो नॉर्मली ऐसे नहीं करेंगे, डीपी की जगह पे एंटर मारेंगे, जगह बनाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और ये जो नाम है, ये जो वेरिएबल है, ये हमको SRC में डालना होगा। तो हम लोग SRC को पहले खाली कर लेंगे, जो लिखा हुआ है पहले से वो हटाएंगे, और उसमें डालेंगे डॉट डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश ऑथर स्लैश, और ये वेरिएबल का नाम हो गया। पूरा रिफ्रेश करके देखो इमेज आ रहा है कि नहीं, बढ़िया। इसका इमेज नहीं आ रहा, तो जिसका नहीं आ रहा उसके लिए क्या करना है पता है आपको, इफ एल्स कंडीशन। तो नॉर्मली है ना, हम इसको करेंगे, अगर नहीं है तो क्या करना है, तो देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। इफ एग्जिस्ट देन, एक शॉर्टकट शॉर्ट हैंड दिखा रहे हैं हम आपको, इफ एग्जिस्ट देन दिस टर्नरी ऑपरेटर एंड अदरवाइज डिफॉल्ट डॉट PNG द सेम पाथ इज। तो हम लोग को आराम से लिख सकते हैं, और देखिए हो गया काम। तो दो लाइन में इफ एल्स इफ एल्स लिखा, जब बहुत जगह पे यहाँ शॉर्ट हैंड दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद अबाउट का पेज में जो नहीं है तो नॉट अवेलेबल आना चाहिए, वो भी कर सकते हैं, जैसे इस जगह को ऐसे करके कट कर लो और लिखो कि अगर अबाउट अस है तो अबाउट अस दिखाओ, और नहीं है तो लिखो नॉट अवेलेबल, या शॉर्ट हैंड में आने, ये देखो जिसमें नहीं है उसमें क्या आया, नॉट अवेलेबल, ठीक है। इज एडमिन 0 और 1, इसको कैसे करेंगे, इसके लिए भी कंडीशन रखेंगे। देखो क्या कंडीशन है, देखो टर्नरी ऑपरेटर का कमाल, टर्नरी ऑपरेटर मत भूलो इसको, ये हमेशा रॉक है स्पैन, ठीक है। और आप बीच में डालिए आराम से इसमें कॉन्कैटिनेशन, जोड़ सकते हैं, और फिर वेरिएबल का नाम, तो नॉर्मली हमको वेरिएबल का नाम में यहाँ स्पैन में लिखना है ट्रू, या लिखना यस, ठीक है, स्पैन को बंद कर देंगे ये। और मत भूलिए इस बात को कि हम इसको दोबारा भी कर सकते हैं, स्पैन स्पैन, और ये है नो, ठीक है या नहीं ये बताना है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनके लिए कलर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, तो हम लोग कलर को अच्छे से इम्पैक्टेबल बना सकते हैं। जैसे क्लास नेम लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, क्लास नेम लगा रहे हैं, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लास नेम लगाने के बाद हम लिखा BG-Green है तो ग्रीन, टेक्स वाइट, टेक्स का साइज छोटा यानी एक्सेस, और राउंडेड थोड़ा सा गोल करने के लिए, अब पेडिंग बहुत हल्का सा 1 PY 1, सीधा P1 लिखेंगे अगर ऐसा दोनों साइड से हो, देखो यस, तो PY1 PX3 थोड़ा लंबा हो जाएगा, देखने में सही लगेगा, ठीक है। और ये यस के लिए हुआ है, नो के लिए भी सेम होगा, बट क्या करना होगा आपको, इसको कॉपी करना होगा, कॉपी किए और ये वाला शिफ्टिंग में जाएंगे, यहाँ चिपका देंगे और बस कलर को रेड कर देंगे, नो बिकम रेड, रेड, दैट्स इट, इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटस देंगे डिलीट मारने का, तो हम ऐसे ऑथर को डायरेक्ट डिलीट तो मार नहीं सकते, डिसेबल करवा सकते हैं उसको, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, उसके लिए स्टेटस रखा है, बीच में काम नहीं है। तो नॉर्मली मेरा जितना ऑथर है हम अच्छे से देख पा रहे हैं, और ये सब डायनेमिक हो गया, पेज प्रोटेक्टेड हो गया, लॉग आउट हो रहा है, मेरा प्रोजेक्ट में जो काम हमको करना था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। हम व्यू देख सकते हैं, प्रोजेक्ट को में पोस्ट डाल सकते हैं, पोस्ट के अंदर जा सकते हैं, ऑथर से लॉगिन करवा सकते हैं, ऑथर लॉगिन करने के बाद अपना पोस्ट डाल सकता है। देखिए एक टाइम में दो सेशन रखने का फायदा क्या है, देखिए ऑथर भी लॉगिन है और एडमिन भी लॉगिन है,
ओ सॉरी, वो साइन आउट करके आते हैं। माय बैड। अब दोनों लॉगिन देखो, ऑथर लॉगिन है, देखो ऑथर भी लॉगिन है और एडमिन भी लॉगिन है, सॉरी एडमिन भी लॉगिन। ऑथर अलग लॉगिन है, अलग यूजर है, और एडमिन अलग यूजर है, दोनों का सेशन अलग अलग नाम रखने का फायदा हम लोग उठा लिए, ठीक है। खैर तो बेसिकली बेसिकली चीजें हो गई हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे पूरा हुआ है और हम लोग एक नए प्रोजेक्ट के साथ आएंगे, और मैंने एक फेक बुक करके ना एक सोशल मीडिया बनाया है, उसको भी देखिएगा, अगर आप इसको कंप्लीट कर लिए तो उसको जरूर बताइएगा।